Hello everyone, here's the first conceptual shot on mathematics. Now this concept says that the maximum number of regions divided by n lines in a plane. That means the lines are coplanar, lines coplanar हैं, एक ही plane में हैं, तो वो n lines जो हैं एक plane को कितने parts में divide करेंगी ये हम बात करने वाले हैं. अब इसको और properly समझेंगे. Let us say we have one line here. अब इस एक लाइन ने इस पूरे रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट. नाउ लेट अस से वी हैव मनमोहन लाइन हेयर. अगर हमारे पास एक और लाइन यहाँ पे आ जाती है तो कितने पार्ट्स होंगे? तो इस सेकंड लाइन ने आप देखिए फर्दर दो और रीजन्स को क्रिएट कर दिया है. ये दो और रीज़न हमारे पास हैं, तो टोटल रीज़न जो हो गए वो चार हो गए. इसी तरह से अगर एक और तीसरी लाइन की बात करें, यहाँ पे इस थर्ड लाइन ने तीन और रीज़न यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं. एक और रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये है और तीसरा रीज़न ये है. तो कुल मिला के ये तीन लाइंस कितने रीज़न बना रही हैं आप देख सकते हैं. ये टोटल 7 रीज़न यहाँ पे हैं. तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजंस की. अगर n लाइंस हमारे पास हैं तो कितने रीजन्स बनेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट हियर. Now let us assume initially we don't have any line. अभी शुरुआत में हमारे पास कोई भी लाइन नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रीज़न है वो एक है. ये एक कंप्लीट रीज़न हमारे पास है. अब अगर हमारे पास एक लाइन यहाँ पे आ जाती है तो वो क्या करेगी? ये एक लाइन यानी कि पहली लाइन एक और रीज़न क्रिएट कर देगी. आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एक रीज़न जो है यहाँ पे ये हो गया है और दूसरा रीज़न ये वाला हो गया है. तो एक तरह से इस में एक रीज़न और ऐड हो गया है. पहले एक ही रीज़न था, कोई भी लाइन नहीं थी, अब एक रीज़न और ऐड हो गया है. नाउ लेट अस ब्रिंग वन मोर लाइन हियर. एक और लाइन यहाँ पे हम ले आते हैं. ओके, यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये जो हमारा रीज़न था इससे एक और रीज़न क्रिएट कर दिया है इस दूसरी लाइन ने, और यहाँ पे भी जो सेकंड रीज़न था वहाँ पे भी एक और रीज़न क्रिएट हो गया. तो टोटल अगर हम बात करें तो इस सेकंड लाइन ने दो रीज़न और क्रिएट किए हैं. यानी कि पहले थे 1+1 रीज़न, अब दो रीज़न आपके और क्रिएट हो चुके हैं. सो यू कैन एज्यूम देयर इज़ अ पैटर्न विच इज़ कमिंग अप हियर. और अब देखते हैं अगर हमारे पास तीसरी लाइन हो जाएगी तो क्या होगा. सो व्हाट दिस थर्ड लाइन इज़ डूइंग हियर, आप देखिए कि यहाँ पे जो रीज़न था उसको उसने फर्दर एक और रीज़न बना दिया है और यहाँ पे भी एक और रीज़न क्रिएट कर दिया गया है. एंड हियर ऑल्सो जो रीज़न था, ये वाला रीज़न जो था, यहाँ पे एक और रीज़न क्रिएट हो गया. दैट मीन्स द थर्ड लाइन इज़ ब्रिंगिंग 3 मोर रीजन्स हियर. तो अगर हम ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ़ रीजन्स यहाँ पे 7 हो रहे हैं. तो अब आप गैस कर सकते हो कि चौथी लाइन क्या करेगी. चौथी लाइन 4 और रीजन्स को क्रिएट करने वाली है. सो हियर वी आर ब्रिंगिंग वन मोर लाइन, दैट इज़ द फोर्थ लाइन. यू कैन सी फ्रॉम हियर इट हैज़ क्रिएटेड 4 मोर रीजन्स. दिस इज़ वन, दिस इज़ अनदर वन. ये भी एक रीज़न हो गया और ये भी एक रीज़न हो गया और ये भी एक रीज़न हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ़ रीजन्स जो हमारे पास आएंगे वो आ जाएंगे 11. सो दीज आर द नंबर ऑफ़ रीजन्स. सो लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल इफ़ वी हैव n लाइन्स. अगर हमारे पास n लाइन्स हैं सो द टोटल नंबर ऑफ़ रीजन्स विल बी डेफिनेटली दिस. एंड दिस इज़ द फॉर्मूला वी आर हैविंग हियर. दिस इज़ सम अप टू नेचुरल नंबर्स. तो इतने रीज़न हो जाएंगे. इसको हम लिख सकते हैं 1 + n × n + 1/2. So this is one way to deal with this concept. बिल्कुल analytically हमने इसको समझा है, सीखा है, हमने draw करके देखा है कि किस तरह से reasons हमारे बढ़ते जा रहे हैं. But there is one more concept जो हमारे लिए एक और concept create करने वाला है जिसको हम समझेंगे. तो I think बहुत आसानी से ये नया concept है और इसको देखते हैं कैसे हमारी मदद करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में. दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ द रिकरेंस रिलेशन. अ रिकरेंस रिलेशन, व्हाट इज़ अ रिकरेंस रिलेशन? अ रिकरेंस रिलेशन इज़ एन इक्वेशन एक्चुअली विच डिफाइंस द सीक्वेंस whose next term is the function of the previous term. तो ये एक इक्वेशन है जिसमें कि हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से रिलेटेड होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. ओके, लेट अस अज्यूम वी हैव n-1 लाइन्स है. यहाँ पे हमारे पास n-1 लाइन्स हैं. तो अगर इनसे अभी तक जो रीजन्स हैं वो हमारे क्रिएट हुए हैं कितने, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास रीज़न जो क्रिएट हो चुके हैं वो r(n-1) रीज़न क्रिएट हो चुके हैं. अब हम एक नेक्स्ट लाइन ले आते हैं. अगर हम एक और लाइन ले आएँ यानी कि nth लाइन यहाँ पे ले आते हैं, तो ये nth लाइन जो होगी हमारी बाकी n-1 लाइन्स को कितने पार्ट्स में कट करेगी, इसके n पार्ट्स बन जाएंगे. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 लाइन्स ऑलरेडी पहले से थी ग्रीन वाली. अगर ये वाइट लाइन हमारी 6 लाइन होती है तो इन 5 लाइन्स को ये 5 बार कट करेगी और जिससे कितने रीज़न क्रिएट होंगे, जितने नए रीजन्स जो क्रिएट होंगे वो 6 नए रीजन्स क्रिएट होंगे. डैट मीन्स इफ़ द nth लाइन इज इंटरसेक्टिंग दीज n-1 लाइन्स एट n पॉइंट्स दे विल क्रिएट न्यू n रीजन. तो ये है कॉन्सेप्ट. सो व्हाट विल हैपन हियर, These are the new n reasons you can see. देखिए एक ये नया रीज़न क्रिएट हो गया है, एक और रीज़न ये क्रिएट हुआ है, एक और ये वाला ये भी रीज़न क्रिएट हुआ है, ये भी क्रिएट हुआ है और ये भी नया रीज़न क्रिएट हुआ है. तो ये 6 नए रीजन्स क्रिएट हुए हैं बिकॉज ये 6 लाइन है. तो nth लाइन कितने नए रीजन्स क्रिएट करेगी, वो n नए रीजन्स को क्रिएट करेगी. सो वॉट वी कैन राइट हियर, डेट इज़ द रीज़न विच आर फॉर्म बाय द n lines will be the sum of what the reasons which are formed by the n-1 lines plus n, because the nth line will create new n reasons. So this is the recurrence relation and from here we can easily derive the formula. यहाँ से हम बहुत आसानी से फॉर्मूले को derive कर सकते हैं. So let us understand how this can be done. We are bringing this relation again here. यहाँ पे हम दोबारा से इसको लिख रहे हैं but we are taking this term on the left hand side and this is the relation here. Now placing the values here from 1 to n will give up this sequence and if you sum these up, अगर आप इनको adding करेंगे these will cancel out. ये सारे terms cancel out हो जाएंगे. This term will also cancel out from the previous one and on the left hand side we will have Rn minus R0 and here it is the sum of natural numbers which is again equal to n into n plus 1 by 2. Now what is R0? R0 is the number of reason created by 0 lines. तो अगर एक भी लाइन नहीं बनाएंगे तो कितने रीजन्स क्रिएट होते हैं, एक ही रीज़न क्रिएट होता है. तो इसकी वैल्यू हम 1 डाल देते हैं एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी Rn इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2. So this is the formula we have derived through the recurrence relation. So we have seen 2 methods to get this concept correct. So happy learning here. This is the first conceptual shot for you.